वस्तु बिहार फेज 3 रामपुर धोईखाट दोनहार सोनकी रोड दरभंगा में कॉलोनी का 20 फीट अप्रूव्ड रोड बनाना था लेकिन नहीं बनाया गया, इसलिए बरसात और बाढ़ का पानी सड़क पर जमा रहता है जिसके कारण परिवार बच्चों को और सीनियर सिटीजन को स्लिप होकर गिरने का बहुत डर सताता रहता है। सांप कीड़े का भी बहुत डर लगा रहता है। 2020 में सारे घरों में पानी आ गया था। दुख की बात तो यह है कि अभी तक इस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं आया। अगर ऐसा चलता रहा तो कभी भी अपूर्ण घटना घट सकती है। वहीं वहां के सीनियर सिटीजन सुरेश सिन्हा ने कहा कि DM को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दूध दवाई सब्जी घर का राशन लाने में बहुत सी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। देखिए दरभंगा से नितेश सिन्हा की रिपोर्ट। हम लोगों का जो पानी का यहाँ जो बढ़ गया है, इतना दिक्कत है इसमें कि चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। भर कमर भर पानी है, कहीं सब्जी वगैरह फल दूध घर का राशन दवाई लाने में इतना दिक्कत होता है कि कभी पैर स्लिप कर गया तो हाथ पैर टूट जाना है, मजबूरी है। वस्तु बिहार प्रशासन आज 2.5-3 साल से हम लोग रह रहे हैं, एकदम धोखा दे रहा है। न कभी रोड बनाया न कुछ बनाया। यदि रोड बनाया होता तो रोड पर हम लोग चलते तो गिरने का चांस कम रहता। और साथ ही स्थानीय प्रशासन भी जो है वो कभी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। अतः स्थानीय प्रशासन से अनुरोध है कि भाई इस पर कुछ ध्यान दे। हम लोगों को सीनियर सिटीजन है, इस पर कुछ ध्यान दे यहाँ, और जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करें जो हम लोगों को जीवन रक्षा हो सके। यहाँ सांप कीड़ा पानी में जैसे निकलता है घर में भी घुस जाता है कभी कभी, इसीलिए अनुरोध है कि कृपया हम लोगों का जीवन रक्षा का कोई उपाय करें। श्रीमान से अनुरोध है। मैं सुरेश सिन्हा बोल रहा हूँ, धन्यवाद।